गुड इवनिंग एवरीवन, सिविल स्टैप हिमाचल के सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से स्नेह भरी नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूं आप सबकी प्रेपरेशन तैयारी बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी और साथ ही साथ आप अपना और अपने परिवार का और अपने आसपास का बहुत ख्याल और उनकी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज हमारे करंट अफेयर इस सेशन की, लेकिन उससे पहले चाहूंगा कि सारे के सारे जो स्टूडेंट्स आ चुके हैं, चाहे वो देवेंद्र सिंह नलवा जी को मैं स्पेशली कहूंगा, उन्होंने लिखा है गुड इवनिंग ऑफिसर्स, तो जो है सभी ऑफिसर्स जो आ चुके हैं सेशन को एक बार शेयर और लाइक कर दें और तैयार हो जाएं एक बहुत ही एनर्जेटिक सेशन के लिए। तो जो स्टूडेंट्स आ चुके हैं, लेट्स क्रैक। दामिनी, शिवानी, शुभम, ठाकुर, अंकिता, स्नेहलता, होम इन हिमालय, स्नेहा शर्मा, रॉक मेड जोन, हाँ जी, तो सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं और शुरुआत में जैसे सबको आपको पता है कि हम जो है आज का जो विचार है सबसे पहले उसकी बात करेंगे। तो देर इज ए पीस इन द स्टॉर्म, तो दोस्तों जो बहुत बड़े बड़े तूफान हैं उनमें भी कहीं ना कहीं शांति होती है। तो इसको हमें कैसे पढ़ना है, किसको हमें कैसे समझना है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिंदगी में अगर बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें चल रही हैं, तो वहां पर भी उम्मीद की एक किरण जरूर होती है। बस एक नजर है दोस्तों, एक जो थॉट है जो हमें पॉजिटिव और हमें एनर्जी की तरफ, जो हमें सफलता की तरफ लेके जाता है, हमें सिर्फ उसके बारे में सोचना है, हमें सिर्फ उसको अपने मन में रखना है, हमें सिर्फ उसी का ख्याल रखना है। तो दोस्तों देयर इज ए पीस, पीस का मतलब यहाँ उम्मीद है, पीस का मतलब यहाँ पर एनर्जी है, पीस का मतलब यहाँ पॉजिटिविटी है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के जो है करंट अफेयर्स की, लेकिन उससे पहले आप सबको पता है कि जो मुख्य जो हमारे जो करंट अफेयर्स हैं, जो मैं न्यूज़पेपर से भी लेता हूं, बहुत सारे अलग अलग जो न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे वो हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे वो द ट्रिब्यून हो, और उसके अलावा जो है हम PIB या फिर और जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज है करंट अफेयर के, सभी से निकाल के आपके लिए ये करंट अफेयर का सेशन तैयार करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छा भी लगता होगा और आप अपने सजेशन भी साथ साथ हैं देते रहे हैं और आगे भी देते रहिए। सेशन को जल्दी से एक बार शेयर लाइक जरूर कर दीजिए। जो आ चुके हैं, विशाल है, जय बजरंग बली है, आकृति शर्मा, और दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की BR अंबेडकर जी से। तो आज जो है 6 दिसंबर 1956 को, आज ही के दिन है जो BR अंबेडकर जी दोस्तों इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, और क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंत में बुद्ध धर्म है अपना लिया था, अपना बुद्धिज्म है अडॉप्ट कर लिया था, तो इस वजह से उनको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व करती है, उनका जो डेथ एनिवर्सरी डे है एट ए महापरिनिर्वाण दिवस, इसको याद रखिए। जब महात्मा बुद्ध की भी डेथ हुई थी उसको भी हम महापरिनिर्वाण बोलते हैं, तो महापरिनिर्वाण दिवस। और BR अंबेडकर जी के बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो शायद घंटे दोस्तों, दिन हैं, हफ्ते हैं, बड़े कम हैं, पड़ जाएंगे, लेकिन मुख्य तौर पे 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें मैं जरूर आपको बता दूं। जैसे कि इन्हें जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये हिंदुस्तान का जो संविधान बनाने वाली जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके जो है चेयरमैन यही थे, 7 मेंबर कमेटी के चेयरमैन थे। फिर दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, इनसे जुड़ा आर्टिकल 32 जिसके तहत जो है हम फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन अगर किसी प्रकार की होती है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो दोस्तों इस आर्टिकल 32 को इन्होंने हर्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। फिर इनकी बड़ी फेमस बुक है जो बहुत बार एग्जाम्स में आ चुकी है, इसका नाम है बुद्धा एंड इज धामास। धामास का मतलब होता है टीचिंग्स, तो बुद्धा एंड इज धामास बहुत बार आ चुकी है। तो मुख्य तौर पे ये 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजाद भारत के ये पहले लॉ एंड लेबर मिनिस्टर थे और दोस्तों इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था हमारे संविधान को बनाने में। तो आज महापरिनिर्वाण दिवस है, 1956 में है इनकी डेथ हुई थी। फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है, जिसका जिक्र मैंने परसों भी किया था, तो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जो कि उड़ीसा में हो रहा है दोस्तों, यहां पर जो सेमीफाइनल था, सेमीफाइनल मैचेस में तो भारत और फ्रांस हार गए थे और ब्रॉन्ज मेडल के लिए इन दोनों टीम्स का मुकाबला हुआ था, और यहां पर जो फ्रांस ने इंडिया को हरा के है ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। तो यहां पर इंडिया का जो स्थान है 4th पोजीशन है इस साल के जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की। और साथ ही साथ बता दूं जो फाइनल मैच था वो जर्मनी वर्सेस अर्जेंटीना था, जहां पर अर्जेंटीना ने दोस्तों जर्मनी को हरा के इस जूनियर वर्ल्ड कप को जो उड़ीसा में हुआ था इसे जीत लिया है। तो याद रखना जूनियर वर्ल्ड कप उड़ीसा, विनर कौन है, अर्जेंटीना, हराया किसको है इन्होंने, जो सिल्वर मेडल किसने जीता है जर्मनी में, और ब्रॉन्ज मेडल जो जीता है वो जीता है
फ्रांस ने। साथ ही साथ मैं बता दूं कि दूसरा टेस्ट मैच आज कंप्लीट हो चुका है भारत और न्यूजीलैंड में। यहां पर जल्दी से बता दें दोस्तों, जो 14 विकेट और पहली पारी में 10 के 10 विकेट लेने वाले वो कौन से गेंदबाज थे, शनिवार को भी मैंने उनका जिक्र किया था। और ये दूसरा टेस्ट मैच भारत ने 382 रन से जीत के ये जो दो टेस्ट मैच की सीरीज थी इसे भी जीत लिया है। जल्दी से बता दें और साथ ही साथ मुझे बताएं कि ये जो बॉलर है इनसे पहले जो है किन किन गेंदबाजों ने है 10 विकेट है वो लिए हैं एक ही पारी में, मैं क्योंकि इनका जो जिक्र है ऑलरेडी सैटरडे वो भी कर चुका था। तो बहुत अच्छा, एजाज पटेल बिल्कुल अच्छा है, और साथ ही साथ है आप जो है भारतीय गेंदबाज और उस जो है इंग्लैंड के गेंदबाज का नाम भी जल्दी से बता दें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तीसरी जो खबर है वो जर्मनी से है। तो जो है मेरे पिछले प्रश्न का उत्तर जल्दी से, अनिल कुंबले और साथ ही साथ एक जिम लेकर है, किसी ने अभी आंसर नहीं दिया। दोस्तों जो तीसरी खबर है वो जर्मनी से है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो जर्मनी है, जर्मनी में जो टॉप मोस्ट पोजीशन है उसको हम बोलते हैं चांसलर। जैसे भारत में जो टॉप मोस्ट पोजीशन, जो सबसे पावरफुल इंसान है उसे हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, वैसे ही वहां पर चांसलर बोलते हैं। और वहां की जो चांसलर है एंजेला मार्कल, रिसेंटली हुए इलेक्शंस में जो है एंजेला मार्कल जो पिछले काफी सालों से है वहां पर चांसलर थी, तो वहां वो इलेक्शन हार चुकी हैं और फिलहाल वहां की जो दूसरी पार्टीज हैं, बहुमत किसी को भी नहीं आया और वहां की जो पार्टीज हैं दोस्तों मिलकर गठबंधन की सरकार है बनाने जा रही हैं। और उनके जो नए चांसलर होंगे उनका नाम है जो है दैट इज द ओलाफ स्कोल्स। हाँ जी, तो ओलाफ स्कोल्स जर्मन नेम है, थोड़ा बोलने में दिक्कत आ रही है, तो ओलाफ स्कोल्स वहां के हैं जो नए चांसलर होंगे। तो जर्मनी में भी है सत्ता परिवर्तन है, इस कोविड की वजह से दुनिया के बहुत सारे जो कंट्रीज में है वहां की जो जो सरकारों के जो खिलाफ है लोगों का मतदान रहा है और वहां पर भी अब जो सत्ता बदल चुकी है। वहां की जो कैपिटल है बर्लिन है और वहां की जो करेंसी है यूरो है, और वहां के जो नए चांसलर मोस्ट प्रोबेबली होंगे वो होंगे ओलाफ स्कोल्स। हाँ जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चौथा प्रश्न है वो जुड़ा है हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी से। हाँ जी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है अंग्रेजों के टाइम पीरियड में ये बनी थी 1919 के मॉन्टेग चेल्म्सफोर्ड एक्ट के बाद। तो दोस्तों ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसके 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में है, पार्लियामेंट ने 2 दिन का एक समारोह रखा था। तो दोस्तों ये जो समारोह है जिसमें ओम प्रकाश बिरला हो या फिर प्रधानमंत्री हो, सभी ने है शिरकत की थी। यहां पर सबसे पहले हम देख लें कि जो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी है जिसका हम बात कर रहे हैं, इसका काम क्या है। आप सबको पता होगा कैग के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है जो भारत का जो पार्लियामेंट का या जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का एक तरह से केयर टेकर भी माना जाता है। तो दोस्तों ये हर साल पार्लियामेंट में अपनी जो रिपोर्ट है 3 बार है प्रेजेंट करता है, और ये जो रिपोर्ट है ये जब पार्लियामेंट को सौंप दी जाती है तो इस रिपोर्ट की जो जांच पड़ताल है पूरी तरह से इसकी स्क्रूटिनाइज है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी ही करती है, जिसमें टोटल 22 मेंबर्स हैं, जिसमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं। और हमेशा याद रखिए कि कोई भी जो मिनिस्टर है इसका कभी मेंबर नहीं होता है, और इसके जो मेंबर्स की जो टेन्योर है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 ही साल होती है। तो इसके 100 वर्ष हैं वो पूरे हुए हैं जिस उपलक्ष्य में है दोस्तों ये 100 साल का सेलिब्रेशन किया है। तो ये पहला सेक्शन था हमारे करंट अफेयर का, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स थे दोस्तों जो है। अब उसके हम दूसरे सेक्शन में जाते हैं जहां पर मैं MCQs की फॉर्म में है आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स आ चुके हैं, आदि मानव, प्रभत गुप्ता, जय बजरंग बली, सभी स्टूडेंट्स को एक बार अनुरोध है सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि दूसरे सेशन में हम और एनर्जी के साथ है आगे जा सके। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी की मैं बात कर रहा था जिसके 100 साल हैं वो हैं पूरे हो चुके हैं। हाँ जी, तो दोस्तों सबसे पहले सुर्खियां देखते हैं हम आज के MCQ से पहले। तो सुर्खियां हैं कि उड़ीसा में जो साइक्लोन जवार उसकी वजह से काफी वहां की जो व्यवस्था है अस्त व्यस्त हो चुकी है। यहाँ पर आदि मानव जी कुछ लिख रहे हैं कि जो इनके बारे में मैं जो है नेक्स्ट सेशन में बात करूंगा, डोंट वरी। फिर दूसरा है कि असम में जो हाईएस्ट जो अवार्ड है वो रतन टाटा को दिया गया है रिसेंटली। फिर जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके दोस्तों जो है नए चेयरमैन चुने गए हैं। OECD की बात करेंगे जिन्होंने भारत की फाइनेंशियल ईयर 2022 की जो है अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ भविष्यवाणी की है। साथ ही साथ फेडरल बैंक ने महिलाओं के लिए कुछ नई स्कीम लॉन्च की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की शिक्षा के लिए लोन प्रोवाइड किया है। फिर गीता गोपीनाथ का जो जिक्र है हम सैटरडे भी किया था, सेकेंड टॉप मोस्ट पोजिशन पे पहुंचे IMF में। और लास्ट है नेशनल नेवी डे दोस्तों, और दादा भाई नेहरू जी की ऑटोबायोग्राफी को एक अवार्ड भी मिला है, उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन पहले प्रश्न से पहले, पहले MCQ से पहले
जल्दी से दोस्तों है सेशन को लाइक कर दें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, क्योंकि जो है स्टूडेंट्स में भी एक एनर्जी आ जाए। ज्यादा से ज्यादा जब बच्चे आते हैं तो दोस्तों जो है हमारा जो मोटिवेशन लेवल है, हमारी पूरी टीम का मोटिवेशन लेवल भी जो है आसमां पर पहुंच जाता है। तो स्टूडेंट्स साथ ही साथ जल्दी से बोलूंगा, ये जो पेड कोर्सेज के बारे में आप पूछ रहे हैं या आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो पहला जो प्रश्न है हमारा वो जुड़ा हुआ है जवाब से। दोस्तों ये जो साइक्लोन है, ये जो तूफान है जवाब, तो ये दो पॉइंट्स हैं, हम बताएंगे इनमें से कौन सा पॉइंट ठीक है कौन सा पॉइंट गलत है। ये जो जवाब नाम का साइक्लोन है ये उड़ीसा के बंदरगाह पे दोस्तों आया है, इट हैज मेड लैंडफॉल वहां पर इसको है जो है देखा गया, और साथ ही साथ आंध्रा में भी। और दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि बांग्लादेश में है इसको ये जो नाम दिया है जवाब का। तो अगर आपने सैटरडे का जो है सेशन लगाया है ढंग से तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है लगभग सारे स्टूडेंट्स दे भी रहे हैं, और जिसमें नेहा है, अकृति है, साहिल है, जय बजरंग बली ने तो बिल्कुल सही बता ही दिया है कि ये जो नाम कहाँ से आया है। और साथ ही साथ आदि मानव जी आज जो है इंग्लिश लिटरेचर एंड जीके आज नहीं आए हैं, लेकिन साथ ही साथ बाकी सभी स्टूडेंट्स अच्छे से आंसर दे रहे हैं। दोस्तों इसका उत्तर है बिल्कुल ठीक, सिर्फ ओनली पहला पॉइंट उड़ीसा के कोस्ट पे है, लेकिन ये जो नाम है ये नाम हमें मिला है सऊदी अरेबिया से। तो सऊदी अरेबिया ने दोस्तों है ये नाम दिया है, और ये जो डीप डिप्रेशन इन द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में ये जो तूफान आया है, यहां पे बता दूं डीप डिप्रेशन एक साइक्लोन से आने वाला जो पहली जो घटना है या उसका जो पहला संस्करण है जहां पर हवाएं लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा घंटे से ज्यादा चलती हैं उसको हम डीप डिप्रेशन बोल देते हैं। लेकिन यहां पर साइक्लोन है और 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की जो हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से वहां पर ये जो है दोस्तों अस्त व्यस्त हो चुका है वहां का माहौल। और यहां पे बता दूं जो जवाब है इसका मतलब क्या है, जवाब का जो मतलब है ये मतलब है कि ये पहले के आने वाले जो साइक्लोन्स हैं, जो पहले 2 साल 4 साल 10 साल में जितने भी साइक्लोन्स आए हैं उनसे ज्यादा सीरियस नहीं है, उनसे ज्यादा जो है इंपैक्टफुल या उससे ज्यादा इंपैक्ट ये नहीं डालेगा। तो ये कम सीरियसनेस को है जवाब है बोल देते हैं। जो जो शब्द है कहां से आया है, सऊदी अरेबिया से आया है, और ये रिसेंटली आंध्रा और उड़ीसा के जो दोस्तों तटीय जो इलाके हैं वहां पर है दोस्तों, उसकी वजह से व्यवस्था अस्त व्यस्त हुई है। हाँ जी उदार, वेरी गुड नेहा शर्मा। फिर दूसरा प्रश्न है कि असम गवर्नमेंट ने है अपना जो है रिसेंटली हाईएस्ट सिविल अवार्ड है किसे प्रदान किया है। शेयर और लाइक नहीं रुकना चाहिए। हाँ जी फिर एक बार कह रहा हूं दोस्तों, मुकेश अंबानी, शिव नादर, उदय कौटक और रतन टाटा। हाँ जी तो इसका जो सही उत्तर है, हाँ जी, और दोस्तों वो क्या है, हाँ जी दामिनी ठाकुर ऑलरेडी आंसर दे रहे हैं और साथ ही साथ सभी बच्चे साथ साथ आंसर देते रहे, नाम है इनका रतन नवल टाटा। तो रतन टाटा को दोस्तों ये जो असम की गवर्नमेंट ने हाईएस्ट अवार्ड दिया है, और ये जो हाईएस्ट अवार्ड है असम का ये भी आपको प्रश्न आ सकता है, इसका नाम है असम वैभव अवार्ड। एक्चुअल में ये तीन तरह के अवार्ड दिए गए हैं, असम वैभव, असम सौरव और असम गौरव। तो ये टोटल 19 पर्सनैलिटीज को दिए गए हैं इस साल, और असम वैभव जो असम का हाईएस्ट टॉप अवार्ड है वो मिला है रतन टाटा को। यहां पर मैं जो जिक्र करना चाहूंगा स्पेशली, तो असम का एक और प्लेयर थी जिनका नाम था लवलीना, तो लवलीना बोरगोहेन, तो ये बॉक्सर हैं और इन्होंने ओलंपिक्स अभी रिसेंटली जो गेम हुए हैं टोक्यो में वहां पर ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। और असम का जो सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड है जिसका नाम है असम सौरव, तो ये असम सौरव जो है लवलीना को भी दिया गया है। उनके अलावा चार और पर्सनैलिटी जिनका जिक्र यहां पर नाम लिखा हुआ है, चाहे वो प्रोफेसर कमलेंडो हो, लक्ष्मण हो, प्रोफेसर दीपक हो या फिर नील पवन हो, तो टोटल 5 पर्सनैलिटीज को इसे दिया गया है। और साथ ही साथ बता दूं मैं, असम हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो है सबसे बड़े स्टेट्स में से एक है, वहां की जो कैपिटल दिसपुर है और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है डॉक्टर हिमंत बिश्वा शर्मा। हाँ जी तो दोस्तों ओलंपिक लवलीना बोरगोहेन को जो मिला है दैट इज द असम सौरव, और रतन टाटा को मिला है असम वैभव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी और ये जो तस्वीरें हैं रतन टाटा की और लवलीना बोरगोहेन की, उम्मीद करता हूं ये तस्वीर देख के आपको जरूर है ओलंपिक्स की याद है जरूर आ गई होगी। फिर अगला प्रश्न, तीसरे प्रश्न से पहले, हाँ जी साथ साथ स्टूडेंट्स आंसर दे ही रहे हैं, सपना ठाकुर, आकृति शर्मा, वेरी गुड। और दोस्तों तीसरा जो प्रश्न है वो है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़ा हुआ, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो इसके रिसेंटली चेयरमैन है किसे बनाया गया है, प्रदीप शाह, संजय जैन, दिवाकर गुप्ता या अजीज प्रेम जी।
तो जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिए। और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि ये जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है दोस्तों, इसका काम क्या है। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का जो काम है, बड़ी सारी ये प्राइवेट कंपनीज भी हैं और ये जो है हम जो बात कर रहे हैं ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, जिसका मुख्य तौर पर काम है कि जो भी बैंक हैं, स्पेशली सरकारी बैंक जिनके एनपीए बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, एनपीए मतलब बैड लोन्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब जिनके लोन्स की रिकवरी नहीं हो पा रही है, तो उनकी लोन्स की जो रिकवरी है ये उनसे लोन खरीद के खुद है लोगों से या कंपनी से, कॉरपोरेट से खुद करते हैं, तो इसे हम असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोलते हैं। और इसके जो नए चेयरमैन हैं, लगभग सभी बच्चों ने आंसर इसका दे दिया है दोस्तों। हाँ जी बिल्कुल, एनकेआर रंगराजी, तो इसका आंसर है प्रदीप शाह। तो प्रदीप शाह, तो सबसे पहले मैं इससे जुड़े दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं आपको, वो भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्तों। ये जो नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अगर को ये जो बनी थी, इसका लाइसेंस इंडिया में है, आरबीआई ही प्रोवाइड करेगा किसी भी एआरसी का। और ये जो कंपनी थी ये 4 अक्टूबर 2021 को इसे लाइसेंस दिया गया था। इसका जो टोटल जो इसके पास जो संपत्ति है, जो टोटल इसके पास अभी पैसा है, 6,000 करोड़ का ये जो नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। और दोस्तों इसका जो काम है, जो बैड बैंक्स या बैड लोन्स को है इंप्रूव करना, ताकि जो रिकवरी हो पाए और बैंकों के एनपीएस है कम से कम हो। और इसको जो लाइसेंस दिया गया था वो दिया गया था सेक्शन 3 ऑफ सरफेसी एक्ट 2002, तो इससे जुड़ा एक्ट भी आपको आ सकता है। सरफेसी सिक्योरिटीजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 दोस्तों, सेक्शन 3 इसका है, जिसके तहत है इसे बनाया गया था। तो इनके जो जो अभी चेयरमैन बने हैं वो बने हैं प्रदीप, जो है जो नए जो चेयरमैन बने हैं इसके जो है दैट इज द प्रदीप शाह। हाँ जी, फिर अगला प्रश्न, फोर्थ प्रश्न, क्वेश्चन ओईसीडी, इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों इससे जुड़े दो पॉइंट्स हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है या गलत। पहला पॉइंट है कि इसका जो मुख्य तौर पे ओईसीडी का जो मुख्य एम है वो है इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट इज टू शेप द पॉलिसीज, ताकि दुनिया भर में जो है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हो, इक्वेलिटी हो और बहुत सारे मौके हो ताकि रोजगार ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। और दूसरा इसका है कि इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज द ऑस्ट्रिया वियना, उनकी जो कैपिटल है वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। तो ओईसीडी से जुड़े ये दो पॉइंट्स हैं, हम बताएंगे ठीक हैं या गलत हैं। तो साथ ही साथ आदि मानव जी ने तो हेडक्वार्टर बता भी दिया जो बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों जिनको नहीं पता एक हिंट दे देता हूं, इसका हेडक्वार्टर वहीं पर है जहां पर जो है यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। यूनेस्को का तो जिक्र भी किया था सैटरडे को, क्योंकि उन्होंने यूनेस्को ने रिसेंटली जो है हमें कुछ अवार्ड दिए हैं निजामुद्दीन का, जो निजामुद्दीन का जो इलाका है वहां पर जो 20 हेरिटेज साइट्स है दिल्ली में, इस वजह से वो न्यूज में भी था। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं जो भी उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल ठीक दे रहे हैं। पहला जो पॉइंट है इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ताकि दुनिया में एक फ्री इकोनॉमी हो सके, ताकि बिजनेस है अपने जो है हाईएस्ट लेवल पे पहुंच सके, रोजगार बढ़ सके। दोस्तों ये जो एडम स्मिथ की थ्योरी को प्रमोट करता है इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट, हालांकि इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं वो पेरिस में चेट्यू डा ली म्यूटी, ये दोस्तों फ्रेंच में एक वहां का जो एग्जैक्ट एड्रेस है, तो आपको जो ऑप्शन आएगा वो वैसे पेरिस फ्रांस ही आएगा, लेकिन एग्जैक्टली जो जहां पर एड्रेस है तो चेट्यू डा ली म्यूटी, तो वहां पर है इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज में है, फ्री मार्केट इकोनॉमीज को प्रमोट करता है और यूनाइटेड नेशन का परमानेंट ये ऑब्जर्वर है। 1961 से लगातार ये दुनिया में प्रोग्रेस के लिए, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा जो उत्तर दे रहे हैं जो जो स्टूडेंट्स आ चुके हैं, रोहित चड्डा, एनकेआर रंगरा और जो है सोनिया धीमान। मैं देख रहा हूं कि जो कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर पाते हैं, ज्यादा से स्टूडेंट्स आपका जो उत्तर है ज्यादा से ज्यादा गलत ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, पार्टिसिपेट करें ज्यादा से ज्यादा। और मैं बता दूं ये सारी की सारी ये जो पीडीएफ है या फिर ये जो इसकी वर्ड फाइल भी सुबह है हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल हो ही जाती है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि ये सारी महत्वपूर्ण जो पीडीएफ है जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आपको वहीं पर मिलेंगी, तो उसको जरूर ज्वाइन करें ज्यादा से ज्यादा, जिसका नाम है पहाड़ी तूफानी। पांचवा प्रश्न जुड़ा है महिलाओं से। तो रिसेंटली दोस्तों महिला मित्र प्लस स्कीम है, इससे जुड़े ये दो पॉइंट्स हैं, हम बताएंगे कौन से ठीक हैं और कौन से गलत हैं। तो रिसेंटली इसे नबार्ड ने लॉन्च किया है, नबार्ड, उम्मीद करता हूं इसका फुल फॉर्म भी पता होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और दूसरा इसका जो मुख्य काम है वो है सेविंग स्कीम्स को जो है प्रमोट करना, ताकि महिलाओं में है फाइनेंशियल प्लानिंग और उनमें जो एंटरप्रीन्योरशिप की जो भावना है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके।
तो कौन सा जो पॉइंट है ठीक है, कौन सा पॉइंट गलत है। तो नबार्ड, साथ ही साथ बता दूं दोस्तों, जो हिंदुस्तान में हमारे जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनका जो रेगुलेटर है वो नबार्ड ही है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका फुल फॉर्म बहुत बार आ जाता है, तो महिला मित्र प्लस, हालांकि इसको जो है लॉन्च जो है नबार्ड ने नहीं किया। तो किसने किया है ये भी जल्दी से बता दें, उत्तर लगभग सभी स्टूडेंट्स का ठीक है कि सिर्फ और सिर्फ दूसरा पॉइंट ठीक है, इसका जो उद्देश्य है बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको लॉन्च नबार्ड ने नहीं किया, इसको जो लॉन्च है वो किया है फेडरल बैंक ने। तो यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि फेडरल बैंक, यहां पर यूएसए के फेडरल बैंक की बात नहीं कर रहे हम, और फेड वहां पर जो बैंक है वहां पर उस बैंक का नाम है फेडरल रिजर्व। तो दोस्तों जो जो यूएसए का सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, लेकिन यहां पर फेडरल रिजर्व नहीं, फेडरल बैंक जिसका हेडक्वार्टर केरला में है, तो उसने रिसेंटली इसे लोन जो है लॉन्च किया है, और जिसमें मुख्य तौर पे महिलाओं को सस्ते हाउसिंग लोन्स और वहां पर जो भी प्रोसेसिंग फीस है वो माफ कर दी जाएंगी, बहुत सारे इंश्योरेंस कवर दिए जाएंगे ताकि महिलाओं को है इसका मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों महिला मित्र प्लस फेडरल बैंक से जुड़ा है और भारत से जुड़ा है, और महिलाओं को बहुत सारे स्पेशल जो है यहाँ पर जो है स्कीम्स के तहत है उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बहुत उम्दा, बहुत ही अच्छा है आंसर दे रहे हैं। साथ ही साथ विनय शर्मा, कुछ और नए स्टूडेंट्स ने भी आंसर दिया है, विशाल शांडिल, लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी भी आंसर नहीं दे रहे हैं साथ साथ जुड़ जाइए, उत्तर देते रहिए, गलत दे रहे हैं सही दे रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस पार्टिसिपेट कीजिए। दोस्तों जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका जो आंसर है आज ठीक हो या गलत हो, लेकिन आपका जब एक्चुअल में जो दोस्तों पेपर होगा, जब एग्जाम होगा, तब आप जरूर उसे ठीक करके आएंगे, ये अब मेरा आपसे वायदा है। लेकिन आप पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा कीजिए। फिर छठा प्रश्न है डेवलपमेंट बैंक से जुड़ा हुआ। तो दोस्तों हिमाचल में भी हमने देखा था पिछले हफ्ते 2000 से ज्यादा करोड़ का लोन प्रोवाइड किया है, यहां पर 500 मिलियन यूएस डॉलर का लोन प्रोवाइड किया जा रहा है एडीबी द्वारा। तो दोस्तों उसका मकसद क्या है, तो चार ऑप्शंस हैं कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नॉर्थ ईस्ट में, या फिर अंडरग्राउंड अवेलेबल वाटर के लिए, या फिर क्वालिटी एजुकेशन के लिए, क्योंकि कोविड-19 के बाद एजुकेशन का स्तर काफी नीचे गया है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। और जैसा मैं उम्मीद करता हूं जो है उत्तर आना शुरू हो चुका है। मृदुल चौधरी, ठाकुर, अंकिता, साहिल, संजय कुमार, हां जी भावना, तो सभी बच्चे साथ साथ सही उत्तर है देना उन्होंने शुरू कर दिया है, आदि मानव जी ने भी। तो इसका सही उत्तर है एजुकेशन से जुड़ा, इसका सही उत्तर है क्वालिटी एजुकेशन से जुड़ा, क्योंकि कोविड-19 के बाद स्कूल लगातार 1.5-2 साल से बंद है और बच्चों का जो स्तर है लगातार है कम होता जा रहा है। तो दोस्तों ये जो लोन है, यहां पर जो समग्र शिक्षा स्कीम है, समग्र शिक्षा स्कीम में जो प्रेप से लेके 12वीं तक के जो बच्चों को है क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना, जिसका मुख्य मकसद है, उस स्कीम के तहत है ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और दोस्तों लगभग पूरे भारत में 1800 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है, ये अलग अलग स्टेट्स हैं, असम, गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु एंड उत्तराखंड, और इनको बेटर करने के बाद इनको एज ए एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि इन्हें देखकर बाकी स्कूल्स हैं, बाकी स्टेट्स भी हैं, अपना जो है अपग्रेडेशन कर सके। एंड क्योंकि अगर बच्चे पढ़े लिखे होंगे दोस्तों, ऑब्वियसली बात है हमारी जो इकोनॉमी होगी, हमारा जो फ्यूचर होगा वो ब्राइट ही होगा। तो मुख्य मकसद है कि बच्चे अगर अच्छी शिक्षा ले सकेंगे तो भारत का जो भविष्य है वो जो है सुरक्षित हाथों में होगा। फिर हम चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, सातवें प्रश्न पे, IMF से जुड़ा है। IMF दोस्तों ये जो प्रश्न है उन सभी महिलाओं से जुड़ा है जो जो है कभी कभी सोचती हैं कि उनके पास आगे बढ़ने के जो चांसेस हैं बड़े लिमिटेड हैं और उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो ऐसी ही महिला से जुड़ा एक प्रश्न है, मैं हर बार है दोस्तों कोई ना कोई एक ऐसा प्रश्न जरूर होता है जो महिलाओं से जुड़ा होता है, तो आप जो दोस्तों उनसे जो है बहुत बड़ी प्रेरणा ले सकते हो। मैसूर जैसे छोटा सा जो शहर है मैसूर जो साउथ इंडिया में, तो दोस्तों वहां से ये लड़की उठी और आज IMF के सेकेंड टॉप मोस्ट पोजिशन पे पहुंच चुकी है। तो डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF की कौन बनी है रिसेंटली, तो विवेक जॉफ्रे, गीता गोपीनाथ या एंटोनिया ग्यूटरस। तो यहां पर जो है इसका सही उत्तर है ऑलरेडी स्टूडेंट्स दे चुके हैं, गीता गोपीनाथ। तो यहां पर जो गीता गोपीनाथ की तस्वीर देख लें, तो दोस्तों यहां पर जो इकोनॉमिक टाइम्स में लिखे हैं कि मिडिल क्लास मैसूरू गर्ल जो है अब IMF की नंबर 2 बन चुकी है, नंबर 2, बहुत जल्दी ये नंबर 1 भी बन जाएंगी। नंबर 1 फिलहाल बुल्गारिया की क्रिस्टलिना गोर्जीवा है, और दोस्तों जो ऑलरेडी फिलहाल इनके डेप्टी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जॉफ्रे, इन्होंने अनाउंस किया है कि अगले साल जो है जनवरी में ही है रिटायर हो जाएंगे। और ये जो पोजीशन है गीता गोपीनाथ जो वहां की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थी पिछले काफी जो है सालों से, अब नंबर 2 है हो जाएंगी।
तो दोस्तों गीता गोपीनाथ मैसूर से जुड़ी हैं। जैसे हमने बात की थी कि जो हमारे ट्विटर के जो सीईओ हैं वो भी भारतीय हैं, बन चुके हैं, आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हैं, उनका नाम भी जल्दी से बता दें। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो यहां पर स्पेशली लड़कियां हैं दोस्तों, आपके लिए है, आगे बढ़ने के जो चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अगर गीता गोपीनाथ बढ़ सकती है या और बहुत सारी जो लड़कियां जिनका जो जिक्र बार बार हम करते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, तो आप क्यों नहीं, बस अपने आप पे विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। हां जी पराग अग्रवाल बिल्कुल सही, आगे चलते हैं। आठवां प्रश्न नेवी डे से जुड़ा है, तो नेवी डे 10 दिसंबर को होता है और इस साल का थीम इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी क्रेडिबल एंड कोहेसिव है। तो इनमें से कौन सा पॉइंट ठीक है कौन सा गलत, मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स रेगुलर जुड़े हैं उसी वक्त उत्तर दे देंगे, क्योंकि इस साल का जो थीम है वो नेवी के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उसके ऊपर आधारित है। और 10 दिसंबर को है या नहीं ये आप इजीली दे सकते हैं आंसर। उम्मीद करता हूं लगातार जुड़े रहिए और दोस्तों शेयर और लाइक रुकना नहीं चाहिए। हाँ जी शेयर और लाइक, मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं अब थोड़ा सा, क्योंकि बस 15 मिनट हो चुके हैं क्लास स्टार्ट, तो आपको जो है रिलैक्स नहीं होना, आंसर देते रहिए। और साथ ही साथ हर मेरे जो जो मुंह से निकल रहा है दोस्तों, हर छोटा छोटा जो प्रश्न है जो है उसके ऊपर ध्यान से नजर रखिए, क्योंकि बड़ी सारी जो चीजें हैं या लिखी नहीं मैं बोल देता हूं और उम्मीद करता हूं ज्यादा से ज्यादा चीजें लिखी भी जाएं ताकि हर एक स्टूडेंट को पूरी की पूरी नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों उत्तर है दोनों ही गलत हैं। और ठीक क्या है, सबसे पहले हम बात कर लें कि ये हर साल 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 1971 की जंग में 4 दिसंबर की रात को कराची का जो हार्बर पोर्ट था वहां पर इंडियन नेवी ने अटैक करके भारत को इस जंग में शुरुआती बढ़त दिला दी थी। और क्योंकि अब 50 साल पूरे हो रहे हैं तो स्वर्णिम विजय वर्ष इसका इस साल का थीम था, 71 की वॉर से जुड़ा 50 साल पूरे हुए थे। और साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूं, वो क्वेश्चन है अब क्योंकि 50 साल पूरे हो रहे हैं और साथ ही साथ जो बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन है, जल्दी से बताएं कौन है बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन, उनके भी 100th बर्थडे आ रहे हैं, तो इंडिया और जो बांग्लादेश है इस साल को मैत्री दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको अगर प्रश्न आया कि मैत्री दिवस इनमें से कौन से दो कंट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो इंडिया और बांग्लादेश है। और इस उपलक्ष पे नेवी ने मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया है इसकी आप तस्वीर देख रहे होंगे, तो आज तक का सबसे बड़ा जो तिरंगा झंडा है वहां पर फहराया है दोस्तों, जिसकी जो लेंथ 225 फीट है और विड्थ है 150 फीट। और आज तक का सबसे बड़ा जो झंडा है जो कि खादी से बना है इसको फहराया गया है मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास। और जो है मेरे प्रश्न का उत्तर भी साथ ही साथ आ रहे हैं और स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन है, भारत के जैसे महात्मा गांधी हैं वैसे ही बांग्लादेश के हैं शेख मुजीबुर रहमान। हाँ जी फिर जो है दोस्तों अगला प्रश्न नौवां प्रश्न, जो दोस्तों नौवां प्रश्न है उससे प्रश्न से पहले एक और प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, जल्दी से उत्तर दीजिए। आपको बताएंगे कि इनमें से कौन सी जो बुक है जिसे इस साल का कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2021 दिया गया है। हालांकि ये जो प्राइज है ये बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण इंसान की ऑटोबायोग्राफी को ये मिला है तो इस वजह से ये जो प्रश्न है ज्यादा है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरा जो प्रश्न है, प्रश्न से पहले क्या प्रश्न है जो उसके तो उत्तर है आने शुरू हो ही चुके हैं, दादा भाई नेहरू जी दोस्तों, उनकी ये जो ऑटोबायोग्राफी है नेहरू जी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, तो इसको ये अवार्ड मिला है। और इस बार ये जो बुक है अभी 2020 में इसको लिखा गया था दिनयार पटेल जी ने ये लिखा था, नॉन फिक्शन में ये अवार्ड दिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर 15 लाख और एक ट्रॉफी है यहाँ प्रोवाइड की जाती है। अगर हम दादा भाई नेहरू जी की बात करें, इनकी एक बड़ी फेमस बुक थी जो इन्होंने लिखी थी, अब इनके ऊपर जो बुक लिखी है इनकी जो बायोग्राफी है उसको ये अवार्ड मिला है मैं बता दूं। और इन्होंने जो बुक लिखी थी वो भी एग्जाम्स में बहुत बार आती है, जिसका नाम था पॉवर्टी, आप सबने पढ़ी भी होगी मैं उम्मीद करता हूं, इस बुक का नाम पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि 1906 का जो सबसे महत्वपूर्ण सेशन था कांग्रेस पार्टी का, जहां पर स्वराज का जो जो रेजुलेशन पास किया गया था वहां पर ये प्रेसिडेंट भी थे जो कांग्रेस पार्टी के 1906 के कलकत्ता सेशन में। इसके अलावा अगर हम बात करें, इन्होंने ही जो है दोस्तों थ्योरी दी थी, जहां पर जो है कहा गया कि ड्रेनेज ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी इन्होंने ही दी थी भारत में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और दोस्तों वहां का जो राज्यसभा थी, हाउस ऑफ जो कॉमन्स थी, वहां की जो लोकसभा थी, वहां पर पहले जो एशियन
जो है मेंबर बनने वाले भी दादा भाई नेहरूजी ही थे। तो बहुत बड़ा रोल रहा है 1890 से लेकर 1910-15 तक के दशक में इनका, 20-25 साल। और दोस्तों गांधी से पहले के सबसे बड़े लीडर्स में से एक हैं ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी, जो बायोग्राफी लिखी गई है, पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये लिखी किसने है, दिनेर पटेल जी ने लिखी है। तो इसको नाम भी याद रखें और इसका अवार्ड भी नाम रखें जी। वेरी गुड वेरी गुड। आकृति आदिमानव जो है भारत भूषण, सभी का उत्तर है बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों अब हम अपने जो है करंट अफेयर के तीसरे सेशन में चलते हैं। यहां तक अगर कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हैं, डाउट हो तो बता सकते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि हिमाचल स्पेशल है ये, दोस्तों कुछ प्रश्न है, दो तीन जो बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इससे पहले सेशन को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, ताकि हिमाचल का हर वो स्टूडेंट जो सपना देखता है अफसर बनने का, वो हमसे जुड़ सके। और हम भी है कोशिश करते हैं हर रोज के उसकी जो जो कामयाबी है उसमें थोड़ा बहुत योगदान है जरूर कर सके। हाँ जी, तो जो साहिल जी कह रहे हैं सब कुछ अच्छे से समझ आ गया, बाकी भी स्टूडेंट से उम्मीद करता हूं कि सब कुछ अच्छे से समझ आ ही गया होगा। तो दोस्तों पहला प्रश्न जो है, बूढ़ी दिवाली जो है हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट में है, उसे सेलिब्रेट किया जाता है, मंडी में, कुल्लू में, सोलन या हमीरपुर। तो दोस्तों बूढ़ी दिवाली है ये, जो है दिवाली के लगभग एक महीने बाद है इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो अमावस्या, दिवाली के बाद की जो पहली अमावस्या है उस दिन इसे सेलिब्रेट किया जाता है, और बड़े हजारों वर्ष से परंपरा है ये। और यहाँ ये मैं बता दूं, शिमला और रामपुर बुशहर के भी कुछ गांव में ये सेलिब्रेट की जाती है, लेकिन मुख्य तौर पे इसे जो सेलिब्रेट किया जाता है और जो है वो दोस्तों वो किया जाता है कुल्लू में। तो कुल्लू में ये है जो बूढ़ी दिवाली है सेलिब्रेट की जाती है, बड़ी पुरानी परंपरा है। किसी वक्त यहाँ पर जो है नर बलि दी जाती थी, फिर जानवरों की बलि, फिलहाल तो एक कोकोनट को जो है नारियल को तोड़ के एक जो परंपरा है पूरी कर दी जाती है। और यहाँ पर कोई भी जो बाहर के जो व्यक्ति हैं यहाँ पर अलाउड नहीं किए जाते, सिर्फ लोकल ही एक दो दिन है ये सेलिब्रेट करते हैं बूढ़ी दिवाली, और कहाँ पर, कुल्लू में ये है सेलिब्रेट की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसका उत्तर तो सब आप दे ही सकते हैं इजिली। हाँ जी, क्वेश्चन है कि अभी क्योंकि एक दिन पहले जो बीजेपी के जो हमारी इंडिया की रूलिंग पार्टी है उसके जो प्रेसिडेंट हैं, जो हिमाचल से जुड़े हैं, जिनका नाम है जेपी नड्डा, तो जेपी नड्डा जी ने आके, क्योंकि पहले वो हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने अनाउंस करवाया था कि हम हिमाचल में एम्स बनाएंगे, और वो बन भी रहा है, और उन्होंने कहा है कि जून 2022 तक है वहां की ओपीडी शुरू भी हो जाएगी। तो दोस्तों ये कौन से जो शहर में है ये जो ओपीडी शुरू होगी, कौन से शहर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शुरू होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर मैं उम्मीद करता हूं सारे ही स्टूडेंट्स ने दिया है, बिलासपुर। तो जो सीएम टू डेडिकेट बिलासपुर एम्स टू पीपल, लोगों को समर्पित किया है मुख्यमंत्री और जेपी जो है नड्डा जी ने, साथ ही साथ इनके साथ भारत के जो हेल्थ मिनिस्टर भी आए हैं जिनका नाम है मनसुख मंडविया, मनसुख मंडविया जी आए थे, और इन्होंने कहा है कि बहुत जल्द है हिमाचल के लोगों को एम्स का बेनिफिट होगा। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर, मैं उम्मीद करता हूं सबके सब अच्छे से और अच्छे तरीके से और इंटरेस्टिंग वे से आपको समझ आ ही गए होंगे। तो लास्ट में जो रिवीजन है, क्योंकि रिवीजन नहीं किया तो दोस्तों सेशन का कोई बेनिफिट नहीं है। तो लास्ट का एक दो मिनट है आपको यहाँ पर रहना है, और सेशन को लाइक शेयर तो आप कर ही रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा कर दें अपने सभी मित्रों के साथ, जल्दी से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जल्दी से मैं रिवीजन कर रहा हूं, चाहे वो अंबेडकर जी का आज डेथ एनिवर्सरी है, महापरिनिर्वाण दिवस, फिर जो वहां पर नए चांसलर बन रहे हैं जर्मनी में जिनका नाम होगा ओलाफ स्कोल्स, या फिर हमने बात की है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, वहां पर जो पार्लियामेंट में इस उपलक्ष्य में सेलिब्रेशन भी किए जा रहे हैं। फिर इसके बाद की जो जवाद नाम का जो साइक्लोन है वो आंध्र और उड़ीसा के तट पे आया हुआ है। फिर असम ने अपना जो सबसे बड़ा अवार्ड है दोस्तों, जिसका जो नाम है दैट इज द वैभव अवार्ड है, रतन टाटा को दिया है। फिर जो तीसरा प्रश्न था, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के जो नए चेयरमैन होंगे वो प्रदीप सिन्हा जी होंगे। OECD जो है रिसेंटली चर्चा में है, और इसका मुख्य तौर पे मकसद है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो है ज्यादा से ज्यादा है जो वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हो, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस में है। फिर पांचवा प्रश्न, महिला मित्रा प्लस, ये महिलाओं को लेकर एक स्कीम है जो फेडरल बैंक ने है स्टार्ट किया, जिसमें सस्ते लोन्स और एंटरप्रीन्योरशिप को प्रमोट किया जाएगा। छठा, एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत में $500 मिलियन का लोन दे रहा है ताकि शिक्षा का जो स्तर है यहां पर बढ़ सके।
फिर IMF के जो नए डेप्टी डायरेक्टर जनरल है वो भारत की गीता गोपीनाथ हैं, उन्हें बनाया गया है। और नेशनल लैंग्वेज डे दोस्तों 4 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है क्योंकि 50 साल पूरे हो रहे हैं। तो इस साल का जो थीम है उसका, दैट इज द स्वर्णिम विजय वर्ष। फिर हमारा नवा प्रश्न था कि कमल देवी चट्टोपाध्याय NIF अवार्ड, इस साल दादा भाई नेहरू जी की जो बायोग्राफी है, नेहरू जी पॉइंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जिसे रिसेंटली दिनयार पटेल जी ने है लिखा है दोस्तों, उन्होंने को ये अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर, उम्मीद करता हूं सब अच्छे से समझ आ गए होंगे। सेशन को शेयर लाइक आगे से आके जरूर कर देना और कल फिर 6:15 मिलेंगे इससे भी ज्यादा, इससे भी इंपॉर्टेंट दोस्तों और इससे भी ज्यादा मेहनत से बनाए गए करंट अफेयर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, गॉड ब्लेस।